मेरे हाथ में 2 रुपए का नोट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 2 रुपए से आप क्या कर सकते हैं? 2 रुपए में आजकल कुछ होता नहीं है, 2 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। Think 2 rupees is a joke. You'll get nothing out of it. 2 रुपए में आपको कुछ नहीं मिल सकता। 2 रुपए में तो आजकल पानी भी नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता यार। 2 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता है। शैम्पू खरीदने जाता वो भी नहीं आता सर धोने के लिए। तो अगर आप किसी गरीब को अगर 2 रुपए भीख भी देते हैं तो वो भी आपको पैसा वापस कर देगा। जहाँ इस 2 रुपए से 1 कप चाय भी नहीं मिलती, वहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इससे 500 करोड़ का कारोबार खड़ा कर सकते हैं, तो आपको शायद मजाक लगेगा और हंसी आएगी। लेकिन यकीन मानिए, आज कुछ लोग आपकी इस हंसी को हैरत में बदलने वाले हैं, कुछ लोग आपको जिंदगी संवारने का मंत्र देने वाले हैं, कुछ लोग फर्श से अर्श तक के अपने सफर की कहानी हमसे बांटने वाले हैं, और वो कुछ लोग हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। कल्पना सरोज करीब 10 कंपनियों की मालकिन, मुंबई में आलीशान घर, गाड़ियां और एक शानदार जिंदगी। आज कल्पना की शानो शौकत देखकर किसी को भी रश्क हो जाए, लेकिन इस चमक दमक के पीछे था एक ऐसा अंधकार जिससे भागने के लिए कल्पना ने खुदकुशी तक की कोशिश की थी। कल्पना जी, सबसे पहले मैं आज की अगर आपकी बात करूं, कितना बड़ा बिजनेस है आपका? वैसे तो बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, यही कोई करीबन 500 करोड़ का। पहले तो मेरी कमानी ट्यूब्स लिमिटेड है, फिर साई कृपा साकर कारखाना है, कंस्ट्रक्शंस है, और फिर और भी ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी है, जिसमें से 3 ये सबसे बड़े हैं। वाह, लेकिन आपका जन्म और परवरिश छोटे से गांव में हुई महाराष्ट्र के? जी हाँ। कुछ बताएंगे अपने बचपन के बारे में? बिल्कुल। ये जो रेपाट खेड़ा गांव है, जब मैं पैदा हुई थी उस वक्त सिर्फ 100 घर वहाँ पे थे, जहाँ पे लाइट तक के नहीं थी, लाइट पानी रास्ते कुछ भी नहीं था। और पिताजी की पगार तो वैसे भी 300 रुपये थी उस ज़माने में, तो तकलीफें तो खैर थी, और इसीलिए हम लोग बच्चे ही थे। तो स्कूल से आने के बाद में कहीं गोबर उठा लेना, मतलब कहीं गोबरी बना के चूल्हे के लिए काम आ जाए, या फिर खेतों में जाके लकड़ियाँ लेकर आना जो चूल्हे के लिए काम आ जाए, या सैटरडे संडे हम लोग खेती में चले जाना, जो भी मतलब अठाना बाराना जो भी मिलेगा, तो हमारे अपने खुद के खर्च के लिए मतलब निकल जाए, पापा के ऊपर तकलीफ ना दे हम लोग इस ऐसे। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? पढ़ाई मेरी बहुत ही कम हुई है, मतलब जिस समाज में मैं पैदा हुई वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था ज़्यादा, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही लड़कियों को बहुत समझते थे। और जहाँ तक मेरे मामा हैं, जहाँ की इस घर में रहा करते थे, सो कहते थे कि लड़कियाँ तो वैसे भी मतलब जहर की पुड़िया होती है, उनको ज़्यादा घर में रखना। एक रिश्ता मामा ने ज़बरदस्ती पकड़ के ही लाया, और उससे उम्र की 12 साल में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद आप मुंबई चली गई? जी हाँ, शादी के बाद मुंबई चले आए, लेकिन यहाँ के जो हालात थे वो इतने बुरे थे, ससुराल कभी ऐसे भी होता है कभी सोचा भी नहीं था। पहली बार जब मेरे पिताजी लेने के लिए आए थे तो वो मुझे पहचान भी नहीं सके थे कि मैं ही उनकी बेटी हूँ, मतलब इतनी बुरी दशा हो गई थी। फिर इसीलिए पिता आए और वो मुझे ले गए। सो हर कोई देख इस नज़र से देखता था कि ससुराल से वापस आई हुई लड़की, शायद इसी में कोई गलती रही होगी, इसी में कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से ससुराल छोड़ के आई है, मायके आई है, और फिर लोगों की बातें बर्दाश्त ना हो सकी। सो मैंने सोचा कि मरने में ही मतलब समझदारी है। तो देखिए, जब कल्पना सरोज 18-20 साल की थी, उस टाइम उसकी और मेरी ऐसी पहचान होगी क्योंकि हमारे पड़ोस में रहती थी, और एक दिन उसके दिल में ऐसा कुछ आ गया तो उसके बाजू के रिश्तेदारों के घर में जाके उसने ऐसा जहर लिया, और जहर लेने के बाद मेरे को ऐसा दूषित दिखा तो मैं एकदम दौड़ा और उसको पकड़ा और उंगली उसके मुंह में डाला तो ये मेरी उंगली एक कट गई। भगवान ने उसको अच्छा बनाया और आज वो ऐसी है कि गरीबों की मसीहा है। फिर आप गांव से दोबारा मुंबई आई, क्यों? जी हाँ, इसलिए कि जब मैंने पॉइजन ले लिया था तब फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ठीक है, कुछ करके अगर मरना है तो कुछ करके जी क्यों ना ले।
तो दादर में यहाँ मेरे चाचा जी रहा करते थे, तो वहाँ आने के बाद में फिर चाचा जी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो झोपड़पट्टी का जो माहौल था वो कुछ अच्छा नहीं था मतलब। तो उन्हीं के पड़ोस में एक मौलाना रहा करते थे, तो वो होजरी के कंपनी में काम करते थे, मास्टर थे वहाँ कटिंग वगैरह करने के लिए। तो फिर वो दूसरे दिन मुझे वो परेल लेकर गए वहाँ पर, तो वहाँ मुझे लेकर गए, लेकिन वहाँ का माहौल देख के मुझे इतना डर लगा कि मुझसे वो मशीन चलती ही नहीं थी। तो फिर मैं वो धागा काटना शुरू कर दी थी, तो धागे भी मुझसे मतलब बड़ी मुश्किल से कटते थे, हाथ ही यूँ हिलते थे। पर फिर धीरे धीरे डर निकल गया, 8-10 दिन में वो मशीन में थोड़ी चलाने लगी। 2 रुपया रोज उस वक्त मिला था मुझे, 60 रुपये महीना। तो इस तरह से मतलब शुरू हो गया बॉम्बे का जीवन। आपने और भी बहुत छोटे छोटे काम फिर अपने अपने कुछ कुछ शुरू करे ना, ब्यूटी पार्लर का। जी हाँ, फिर मैंने एक मतलब स्टार्ट ऐसे ही किया, फिर मैंने भी बैंक से लोन लिया, ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया, फर्नीचर का स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे मतलब इसी तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहे और काम करते रहे। फिर कमानी ट्यूब्स जी, वो कैसे शुरू हुआ आपका? कमानी ट्यूब्स 2000 की बात है, इससे पहले तो मैं मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह लाइन में चली गई थी। तो 2000 में कमानी के कुछ लोग जो वर्कर्स वहाँ के हैं, वो डोंबिवली और कल्याण एरिया में, उस एरिया में रहते थे, तो वो लोग शायद सुनते थे इस तरह की बातें। तो वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैडम हमारी जो कंपनी है वो सीक हो चुकी है, तो प्लीज़ आप उसको टेक ओवर कर ले। तो जब मैं उस कंपनी के लिए सोचने गई, तो वो इतना हर्डल था मतलब इतनी तकलीफें थी कि कोई करने के लिए सोच ही नहीं सकता था। तो हम लोग 2000 से लेकर 2006 तक काफ़ी मतलब फाइट करते रहे, और 2006 में फिर कोर्ट में हमारी स्कीम पास हो गई बीएफआर में, और उसमें फिर मुझे चेयरमैन बनाया गया। अरे वाह जी, अतीत याद आता है? कभी कभार आता है अतीत याद, कभी कभी मैं सोचती हूँ, सोच के हैरान हो जाती हूँ कि क्या मैं वही हूँ जो बात बात पर रोती थी, जो बात बात पर सोचती थी कि मैं किस तरह से जी पाऊँगी, क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। जिस लड़की के पास रहने के लिए घर नहीं था, जो दूसरों के घर में रहती थी, जब मैं पहली बार मुंबई गई थी तो मुझे इतना डर लगता था कि पता नहीं मेरा क्या होगा, ना रहने के लिए घर था, ना रास्ते के ऊपर मैं चल सकती थी, यहाँ तक कि मुझे लोकल में चढ़ना भी नहीं आता था, नहीं पता था कि ये लोकल ट्रेन कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है। लोअर परेल से दादर मुझे आना था, तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं दादर कैसे आऊँगी, मैं ट्रेन है बस बैठ जाओ चली जा रही है शायद। तो मैं इसी तरह से बैठ गई, और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि दादर कब आने वाला है, जबकि मैं चर्चगेट के स्टेशन पर जाके मैं आगे चली जा रही हूँ, मैं बाहर से देख रही हूँ प्लेटफॉर्म पर महालक्ष्मी आ रहा है, कुछ और स्टेशन आ रहा है, लेकिन मेरा दादर नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा। ऐसे करते करते चर्चगेट आ गया, तो मैं जब मतलब उतरने की कोशिश करने लगी तो ट्रेन तो आराम से वहाँ रुकी गई ना, तो औरतों ने मुझे धक्का दे दिया, मैं नीचे गिर पड़ी, और सारी औरतें सीढ़ी बना के मुझे उतर के नीचे गई, और मैं वहीं पड़े ऐसी पड़ी रही, मैं हिली भी नहीं। मैंने सोचा चलो और क्या कर सकते हैं, और फिर जब वो सब चले गए तो मैं उठ के वहाँ पे मैं बहुत रोने लगी कि मेरा क्या होना है। तो प्लेटफॉर्म पे एक लेडी बैठी हुई थी, तो वो मुझे देख रही थी इस तरह से, तो फिर उसने मुझे मतलब बुलाया और प्यार से समझाया कि बेटा क्या हो गया। तो फिर मैंने बताया उसको कि मुझे ट्रेन समझ में नहीं आती है कि ये कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है। फिर मुझे उसने बताया कि ये इंडिकेटर है ट्रेन कहाँ जा रही है, तो उसने मुझे समझाया हर तरह से। सॉरी, खैर तो ऐसी तकलीफों में से मतलब मैं यहाँ तक जब पहुँची थी, तो कभी कभी ख्याल आता है कि क्या वाकई मैं वही हूँ, आज मैं कंस्ट्रक्शन करती हूँ, घर बेचती हूँ, मेरे पास ऐसे कई घर हैं, जिन रोडों पे चलने के लिए मुझे डर लगता था, आज मेरी कंपनी के नाम पे 2 रोड है मुंबई में, कुर्ला कमानी जो मेरे ही कंपनी का रोड है, रामजी भाई कमानी जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ का रोड भी मेरे कंपनी के नाम पर है। जी हाँ, कल्पना जी आपसे मिलकर कितना अच्छा लगा है, ये बयां करने के लिए तो अब शायद और शब्द नहीं है मेरे पास। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरी 150 दुकानें थी, आज वापस मैं 8 दुकानों से अपनी लाइफ चालू कर रहा हूँ, तो कभी कभी ये लगता है, लेकिन फिर वही समझ में आता है कि ये पार्ट ऑफ एम्बिशियस लाइफ है।
और फिर सपने हैं कि 500 दुकान कर लेंगे। हिम्मत है, सपना है, वापस करेंगे।